सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ जब शी को मारने के लिए गया था तो ब्यूटियन पवेलियन की एल्डर ने शियाओ को मारने के लिए नीडल चुबा दी और मौके का फायदा उठाकर शी ने स्काईलाइट कालामिटी ट्री को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि शियाओ बुरी तरह जख्मी हो गया। तभी उसे अपने मॉम डैड की कुछ पुरानी बातें याद आई और उसे अपने डैड और दादा दिखाई दिए। ये सब सोचकर शियाओ ने अपनी सुप्रीम बोन को एक्टिवेट कर शी को मार दिया था और उसे जीतने पर प्राचीन किताब के 3 टुकड़े मिले थे। अब हम देखते हैं कि अग्नि सम्राट और शी सम्राट वहाँ से जाने लगते हैं और वो लिंगर से कहते हैं कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुम सावधान रहना और कोई लापरवाही का काम मत करना। लिंगर कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अग्नि सम्राट वहाँ से चले जाते हैं। तभी शियाओ देखता है कि अखाड़े के ऊपर से एक आदमी उसे देख रहा है। वो आदमी शियाओ से पूछता है कि क्या स्काई गॉड बैटल फील्ड है, मगर मुझे लगता है कि इसका लेवल बड़ा नहीं है जितना इसके बारे में ग्रंथों में लिखा गया है, और अपनी पावर से शियाओ पर हमला करता है। शियाओ को उसकी आंखों में देखकर लग गया था कि आदमी उसे लड़ना चाहता है, इसीलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार था और उसके हमले को रोक लेता है। वो आदमी शियाओ से कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी पावर है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। शियाओ उसकी बात को समझ नहीं पाता और पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, तो बताता है कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर काफी लंबा चौड़ा होगा। और अपनी पावर से सभी लोगों को तकलीफ देता है और सभी को बताता है कि मेरे जीवन में दो शौक है, पहला तो उन सभी लड़कियों को इकट्ठा करना जो इस दुनिया में सबसे सुंदर है, और दूसरा जो वर्ल्ड फेमस खजाना ट्रिक है उन्हें कलेक्ट करना, और तीसरा शौक शायद मेरा हो सकता है कि दुनिया के सभी फेमस लोगों को इकट्ठा करना। तो शियाओ कहता है कि मेरे भी कुछ ऐसे ही शौक है, पहले तो तुम उन सभी लड़कियों को छोड़ दो जिन्हें तुमने पकड़ रखा है, उसके बाद मैं तुम्हें फॉलो करने की कोशिश करूंगा। वो कहता है कि इसका मतलब है कि हम दोनों की सोच एक जैसी है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा शौक लड़कियों को इकट्ठा करने का है जो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है, लेकिन मेरा एक और मकसद है जिसके लिए मुझे मेरे बाकी के शौकों को छोड़ना पड़ा। और युचन से कहता है कि अगर तुम भी यहीं पर हो तो तुम मुझसे नमस्ते क्यों नहीं करती, और एक स्टोन पर हमला करता है। तभी लोग बातें करते हैं कि लड़का कौन है, और उसे देखकर ऐसा फील हो रहा है कि वह कोई डेंजर आदमी है। युचन उड़कर हवा में उस लड़के से बात करने के लिए जाती है, तो युचन से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। तभी ब्यूटियन पवेलियन का आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मास्टर के साथ ऐसी घटिया बातें करने की, और सभी मिलकर उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, मगर वो सभी को एक ही वार में नीचे गिरा देता है। युचन उसे कहती है कि तुम बड़े पागल और बेवकूफ हो। वो युचन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और तुमने जिसे अभी पागल कहा उसके साथ रहो, और फिर उस पागल का सर कलम करना जिसे तुम बेवकूफ बोल रही हो। युचन कहती है कि तुम मेरे पवेलियन में शामिल हो गए फिर तुमने उसे छोड़ दिया, तुम ऐसे लोग हो जो सिर्फ अपनी बॉडी की पावर को बढ़ाने के बारे में सोचते हो। तभी शियाओ सोचता है कि ये दोनों बेकार की बातें कर रहे हैं, इतने में मैं कल्टीवेशन करके खुद को ठीक कर लेता हूँ और ध्यान लगाने लगता है। वो आदमी युचन से कहता है कि मैंने तुम्हारे पवेलियन को इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं लोगों के दबाव में नहीं रह सकता और मुझे बंधे रहना पसंद नहीं है, और पता चल जाता है कि शियाओ अपनी पावर को बढ़ा रहा है, इसीलिए वो अपने 6 पर ट्रिक को एक्टिवेट करता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ट्रिक प्राचीन 10 तकनीकों में से एक है। वो लड़का इस ट्रिक से शियाओ को रोकने की कोशिश करता है, मगर शियाओ अपने ध्यान से नहीं उठता। वही वो युचन से कहता है कि तुम मेरी बात मान लो और अपने आप को एक समझदार इंसान की तरह प्रस्तुत करो। युचन समझ जाती है कि लड़का प्यार से मानने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपनी स्टिक से बुद्ध शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करती है जिससे कि वहाँ कई सारी तलवारें आ जाती है और सभी मिलकर उस लड़के पर हमला करती है, मगर वो सभी तलवारों के बीच में से निकलकर युचन से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि तुम काफी पावरफुल और ब्यूटीफुल औरत हो, तुम मेरे पास आओ। ये सुनकर युचन उस पर दूसरी ट्रिक से हमला करती है और कहती है कि तुमने जो 6 पर ट्रिक को सीखा है वो हमारे पवेलियन ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस ट्रिक का यूज तुम्हें यहाँ नहीं करना चाहिए था। वो लड़का कहता है कि 6 पर ट्रिक मेरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तुम उसे अपना कैसे बता सकती हो, अब मेरे सब्र की सीमा टूटने वाली है। तो युचन उसे कहती है कि 6 पर ट्रिक काफी कोल्ड होती है, अगर ये मेरी बौद्ध ट्रिक से टकराती है तो नष्ट हो जाएगी, उसके बाद तुम क्या करोगे। वो युचन से कहता है कि उसके बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं जिससे कि आसपास की जगह और लोगों पर भी आग के गोले गिरते हैं, जिन्हें रोकने के लिए सभी अपनी पावर शील्ड को एक्टिवेट करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी पूछता है कि लड़का कौन है जो ब्यूटियन पवेलियन की गोडे से लड़ने की
मत रखता है तो दूसरा आदमी बताता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि यह निर्वाण गॉड है और कुछ लोगों का कहना है कि यह दोबारा जन्मी एक बड़ी हस्ती है, इसीलिए वो लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और खुद को गॉड समझता है। वही शियाओ सोचता है कि शी के साथ मेरी लड़ाई काफी डेंजर थी, इसीलिए अपने आप को उच्च रियल्म में जाने के लिए डिवाइन बेल का यूज करता है, साथ ही गोल्डन बट का भी यूज करता है। दूसरी तरफ यूचेन उस लड़के की लड़ाई में स्काई बैटल फील्ड काफी डैमेज होता है, इसीलिए युशी दोनों से कहता है कि बैटल फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम्हें लड़ना है तो किसी और दिन लड़ना, और अपनी पावर से दोनों को दूर कर देता है। लेकिन दोनों लड़ना बंद नहीं करते, युचेन अपनी सोर्ड से उसे मारने की कोशिश करती है मगर वो दोनों अपनी पावर की वजह से एक दूसरे से नहीं हारते और बैटल फील्ड पूरी तरह से प्रभावित होता है। ये देखकर युशी कहता है कि तुम अपनी मर्जी से इस फील्ड को कैसे तोड़ सकते हो, मगर वो दोनों युशी की बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी लोग बातें करते हैं कि युशी अपनी एक पावर से किसी को भी मार सकता है मगर वो किसी से नाराज नहीं है जबकि फील्ड को इतना नुकसान हुआ। तभी दूसरा आदमी बताता है कि युशी वॉइड गॉड रियल्म के अंडर में काम करता है, वो अपनी मर्जी से किसी पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि युचेन और वो लड़का जानबूझकर वॉइड गॉड को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ गोल्डन स्पाइडर आता है जो सभी लोगों से कहता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, युचेन और बाकी के लोगों की बात छोड़ो और शियाओ को मारकर उससे प्राचीन बुक के टुकड़े छीन लो। सभी लोग शियाओ को मारने जाते हैं जिन्हें देखकर लिंगर शियाओ को बचाने जाती है मगर लिंगर को उसके सैनिक नहीं जाने देते और स्पेस सीलिंग फायर को एक्टिवेट कर लिंगर को रोक लेते हैं। लिंगर उनसे कहती है कि तुम लोग मुझे जाने दो, तो सैनिक कहते हैं कि अग्नि सम्राट ने हमसे कहा था कि आपकी जान को खतरे में ना डाले तो हम आपको लड़ने के लिए कैसे भेज सकते हैं। लिंगर कहती है कि मेरा फ्रेंड संकट में है इसलिए मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, तो सैनिक बताते हैं कि रॉयल हाइनेस ने कहा कि जैसे लड़ाई शुरू होगी उसके बाद हमें नहीं पता किस लड़ाई में और कितनी पावर एड होगी, इसीलिए उन्होंने हमसे जानबूझकर कहा कि प्रिंसेस को इस लड़ाई में शामिल होने से रोको। तभी युनशी शियाओ को बचाने जाती है मगर उसके साथी भी उसे जाने से मना करते हैं और बताते हैं कि अगर तुम शियाओ की मदद करने के लिए गई तो हमारे और भी दुश्मन बन जाएंगे और हमारे पहले से कई दुश्मन हैं, इसीलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती, और युनशी को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं ब्यूटियन पवेलियन की एल्डर के पास एल्डर जोंग आता है, एल्डर जोंग को शियाओ को मारने के लिए कहती है जो मुझे शियाओ को मारने नहीं देगी, तो एल्डर कहती है कि युचेन को मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे मैं देख लूंगी, बस तुम अपने सबसे मजबूत ट्री का यूज करना और एक ही वार में शियाओ को मार देना और उसके सभी खजाने अपने कब्जे में ले लेना, नहीं तो अपनी स्टोन वेल ट्री के साथ मेरे ब्यूटियन होल के फ्यूचर को प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ वहाँ खड़े सभी लोग जो लड़ाई देख रहे थे वो शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ ध्यान में होता है मगर उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर हमला हो रहा है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके हमले को रोकता है और हमला करने वाले से कहता है कि तुम मास्टर वेनेरा बेल हो लेकिन तुमने बड़ी बेशर्मी के साथ छुपकर हमला किया है, अब तुम्हें मरना होगा, और एक एक कर सभी से लड़ने लगता है और उनके हमले से बचने के लिए हवा में उड़कर अपने 10वें स्वर्गीय पद को खोल देता है जिस वजह से वो ठीक हो जाता है और नीचे उतर कर हंसने लगता है और सभी हमला करने वाले लोगों से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गया और सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे इन लोगों को चेतावनी देनी चाहिए और इस प्लेन के मास्टर माइंड को पकड़ना होगा। उसे पता था कि उस पर हमला करने वाले ब्यूटियन पवेलियन या फिर डेमन स्पीड लेक में से किसी एक के आदमी होंगे जो मुझे मारना चाहते हैं। तभी एल्डर लोगों से कहती है कि अब ठीक हो गया है, अगर तुम लोगों ने इसे जाने दिया तो यह हमारे लिए खतरा बन जाएगा, तो शियाओ से कहता है कि गंदी दादी तुमने मेरे ऊपर कई बार हमले किए हैं, सबसे पहले तो मैं तुमसे बदला लूंगा। ये सुनकर स्पाइडर कहता है कि उसकी बातें मत सुनो और उसे मार दो। सभी लोग शियाओ के ऊपर एक साथ मिलकर हमला करते हैं, उन्हें हराने के लिए शियाओ वर्मिलियन मेथड से हमला करता है। स्पाइडर समझ गया था कि शियाओ इस ट्रिक से मेरे ऊपर ही हमला करेगा, इसीलिए अपनी स्पाइडर सिल्क डिवाइन रिवर ट्रिक को ऑन कर लेता है। शियाओ स्पाइडर की ट्रिक को एक वार में खत्म कर देता है और उसे जोर से मुक्का मारता है मगर स्पाइडर अपनी शील्ड से हमले को रोक लेता है, तो शियाओ वर्मिलियन की थर्ड स्टेप से हमला करता है जिसे रोकने के लिए स्पाइडर खजाने ट्रिक का यूज करता है मगर इस बार वो पिट जाता है। शियाओ से कमजोर देकर फोर अटैक ट्रिक से हमला कर फायर की बारिश करता है। स्पाइडर शियाओ से कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो और अपनी 8 स्पाइडर फॉर्मेशन ट्रिक को एक्टिवेट कर शियाओ पर हमला करता है। शियाओ सोचता है कि मुझे इसके साथ ज्यादा देर तक
तक नहीं लड़ना चाहिए और उसे मारने के लिए शियाओ हेनरेन ट्री को एक्टिवेट कर आग से स्पाइडर की शील्ड को जला देता है और स्पाइडर की पावर को अपनी पावर से बैन कर देता है। स्पाइडर अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता और वो मर जाता है। ये देख कर एल्डर कहती है कि पहले तो शियाओ ने शी को मार दिया और पूरी तरह घायल होने के बाद भी गोल्डन स्पाइडर को जिंदा जला दिया। ये सब करके ये लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा है। दूसरी तरफ यूचन और वो लड़का अभी भी लड़ रहे थे और उन्होंने पूरे अखाड़े को तोड़ दिया था। योशी उनके पास आकर कहता कि मेरे समझाने के बाद भी तुम लोगों ने अपनी पावर से स्काई बैटल के कई रूल तोड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि तुम लड़ाई को बंद कर दो, नहीं तो मुझे तुम दोनों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। मगर योशी की चेतावनी के बाद भी दोनों लड़ना बंद नहीं करते और बैटल फील्ड को अपनी पावर से तोड़ते हैं। दूसरी तरफ शियाओ के ऊपर अचानक से हमला होता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके ऊपर कोई चुपके से शॉर्ट सेंड आइडिया ट्रिक से हमला करता है। शियाओ के सर पर एक खाल होती है जिसके अंदर से एक बड़ी तलवार निकलकर सीधी शियाओ के ऊपर गिरती है, जिसे शियाओ रोक लेता है। मगर उसके आसपास एक सर्कल बन जाता है जिसने शियाओ को एक क्रिस्टल में बंद कर लिया था और शियाओ ऊपर की तरफ खाल के पास जा रहा था और उस पर से एक तलवार हमला करती है जिसे शियाओ रोकता है और उसे पता चलता है कि इस खाल के अंदर एक छोटा सा रियल्म है, इसीलिए गोल्डन स्टोन वेल ट्रिक का यूज कर उस हमले को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद खाल शियाओ के पास आ जाती है जिसे वो अंदर रख लेता है। जिसे देखकर युचन के साथ लड़ने वाला आदमी कहता है कि उस खाल का मेरे साथ कोई रिलेशन है। वही एल्डर शियाओ से कहती है कि अगर तुम हमसे अभी नहीं लड़ते हो तो फिर हम किसी और दिन तुम पर हमला करेंगे। ये सुनकर शियाओ उस एल्डर को जोर से चाटा मारता है और उसके तीन टीथ टूट जाते हैं और वो दूर जाकर गिरती है। तभी युचन को पता चलता है कि शियाओ एल्डर को मार रहा है और उसे बचाने के लिए जाती है, मगर वो लड़का उसे नहीं जाने देता और कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए नहीं मान जाती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इसलिए तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि अपना गुस्सा शियाओ के ऊपर कैसे उतारना है। युचन कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम बहुत ही बुरे हो। वही शियाओ एल्डर को जोर से पीटता है और उसे कहता है कि जब मैं शी को मारने वाला था तभी तुमने मेरे ऊपर चुपके से हमला किया और अभी भी लोगों को मेरे खिलाफ उकसाया। शियाओ एल्डर का गला एक मैजिक रस्सी से बांध देता है और उसे कहता है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। एल्डर अपनी जान बचाने के लिए नशीले फूलों का यूज करती है जो कि शियाओ को घेर लेती है, लेकिन शियाओ अपने एक वार से सभी फूलों को खत्म कर देता है। एल्डर अपनी दूसरी ट्रिक को एक्टिवेट करती है तो शियाओ से कहता है कि बेकार औरत, तू कुछ भी कर मैं सब खत्म कर दूंगा, और उसके ऊपर एक बड़ी फायर बॉल से हमला करता है। मगर एल्डर उसे रोक लेती है और एक तावीज की मदद से शियाओ की आंख में लाइट डालकर वहां से भाग जाती है। शियाओ भी उसका पीछा करता है और वर्मिलियन की पहली ट्रिक से उसे पकड़ लेता है। एल्डर शियाओ से कहती है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं ब्यूटियन पवेलियन को डेजर्ट में लाकर रहूंगी और फिर तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ये सुनकर शियाओ कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो और अपने हमले से उसे मार देता है। मगर एल्डर की सोल उसकी बॉडी से निकलकर भागने लगती है तो शियाओ सोल को सोल लॉकिंग पेगोडा में पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।